क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व आपका नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है, ठीक है। डिमांड कर्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ाया है लॉ ऑफ डिमांड की इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। अगर आपके प्राइसेज इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन, और वो क्या हो जाएगी एक्सटेंशन। इनवर्स रिलेशनशिप इस तरीके से है, तो डिमांड कर्व आपका नेगेटिवली स्लोप्ड होता है इस तरीके से, बिकॉज क्योंकि ड्यू टू लो ऑफ डिमांड। एक बार हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई अगर आपके प्राइसेज अगर आपके 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इस तरीके से होगी, ये है तो ये होगी, यानी इनवर्सली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होगी, इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, क्या डिमांड का वो इधर और इधर टच करता है, क्यों? जीरो नहीं हो सकती, वेरी गुड। ना तो आपकी किसी प्रोडक्ट की प्राइस जीरो हो सकती है, यानी फ्री में तो डिमांड का वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ही हो जाएगा, और ना इधर टच करेगा ना इधर टच करेगा, क्योंकि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ना प्राइस जीरो हो सकती ना क्वांटिटी डिमांडेड जीरो हो सकती, ठीक है। अब एक तो ये क्वेश्चन आता है कि डिमांड का वो आपका इन्वर्सली आपका रिलेशन होता है या आपके नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इसका रीजन क्या है आपके भाई, ये इस तरीके क्यों होता है आपका। तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं, रीजंस बिहाइंड नेगेटिवली स्लोप डिमांड का नेगेटिव स्लोप, यानी व्हाई डज डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, कि डाउनवर्ड क्यों होता है। सबसे पहले आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, अच्छा सबसे पहले बताओ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट की यूनिट्स का कंजप्शन करोगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती रहती है, ये तो ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाले जो यूटिलिटी होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपने जो कंजप्शन किया, अभी कर रखा आपने 10 यूनिट का और आपने अभी करना है 11th यूनिट का, 10 यूनिट पे जो टोटल यूटिलिटी आ रही है वो आपकी आ रही है 30, और 11th यूनिट पे जो आपकी आ रही है वो आपकी आ रही है 35। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी ऑफ जो इस वक्त की प्रेजेंट में माइनस में एन माइनस वन, तो TN आपकी मतलब 11 पे आपकी यूटिलिटी है 35 टोटल यूटिलिटी, और उस पर आपकी 30, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी आपकी 5, ठीक है। ये तो हुई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके एक और बात बताइए, अगर आपने एक तो ये दे रखा कि N 10 और टोटल यूटिलिटी 30, और आपको एक ये चीज़ दे दिया कि N आपका दे दिया 15 और टोटल यूटिलिटी दे दिया मान लो दे दिया आपके पास 50, तो ये जो डिफरेंस आया दोनों का 20 यूटिलिटी, ये क्या है आपको, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी है। डिफाइन करो मार्जिनल यूटिलिटी को, बिल्कुल जरा सी बारीक सी कंसेप्ट है, वन एडिशनल यूनिट। इस फॉर्मूले को देखा ना आपने हमेशा कि 11 में से 10 कर रहा है, 9 में से 8, 7 में से 6, उससे लास्ट वाली हमेशा वन एडिशनल पे चलता है। मार्जिनल का मतलब होता है वन का डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं हो सकती, तो फिर क्या है ये आपकी डिफरेंशियल यूटिलिटी। क्या है आपकी डिफरेंशियल यूटिलिटी, DU, ठीक है। एक का ही होता है मार्जिनल, हमेशा मार्जिनल मतलब एक सीमांत वन, ठीक है। दो का भी नहीं होगा, दो का भी डिफरेंशियल होगा, ठीक है। दो लेवल डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट या डिफरेंट लेवल ऑफ कंजप्शन पे है तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ना होकर डिफरेंशियल यूटिलिटी होगी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा आपकी एक के साथ चलेगी, जो आपने यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये जैसे आपको दिख रही है ये वाली मार्जिनल यूटिलिटी है एक के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको 11 से 10th पर गए हो, हाँ वन का देखेंगे हमेशा, वन का मार्जिनल हमेशा वन का रहता है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। इसलिए मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ आपको, ये वाली लिखना आप सभी और समझना, और उस दिन जो क्लास में था उसको मैंने करवाई भी थी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल इज कॉल्ड मार्जिनल,
फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है पहला चेंज। मैथ की में अपने डेरिवेटिव अगर आपने थोड़ा बहुत ही वर्ड सुना हो, आता नहीं होता कोई बात नहीं होता, लेकिन फर्स्ट जो चेंज होता है वो आपका मार्जिनल होता है। अब मैं यहाँ पर टोटल मैं यूटिलिटी भी लिख सकता हूँ, टोटल प्रोडक्शन भी लिख सकता हूँ, टोटल कॉस्ट भी लिख सकता हूँ, टोटल रेवेन्यू भी लिख सकता हूँ, तो सेम उसी के साथ वहाँ पर रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात क्लियर है? ठीक है, ओके। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्लियर हुई। अब ये कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या कहता है कि मान लो आपने फर्स्ट यूनिट कंजप्शन किया तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, मान लो देखो आपको ज़्यादा भूख लगी, रोटी का एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, या और भी चीज़ लगा लीजिए कोई भी चीज़, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी वो आपको ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू जब आपको दूसरे से मिलेगी। इसी तरीके से थर्ड पे जाओगे तो उससे और कम मिलेगी, फोर्थ पे जाओगे तो उससे और कम मिलेगी, फिफ्थ पे जाओगे तो क्या पता आपको जीरो पे पहुंच जाओ और सिक्स पे आपका नेगेटिव हो जाता है। इस तरीके से आपने पढ़ा है। तो ये कहता है कि जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाओगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिमिनिशिंग होती जाती है। डिमिनिशिंग होगी तो आप क्या करोगे, आप उसकी जो डिमांड है वो भी कम करोगे, कम हो जाएगी ना, नेगेटिव हो रही तो आप बंद ही कर दोगे। तो इसलिए आपका पहला तो जो रीजन बना वो आया, एग्जाम में आते हैं कि इसको सेलेक्ट करो कौन कौन सा रीजन है, तो फर्स्ट कौन सा बना आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दूसरा बना आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट दूसरा क्या आपका, अब इनकम इफेक्ट का मतलब यहां पर उस इनकम से नहीं है, मॉनेटरी इनकम से नहीं है, यहाँ पर आपका वो है मीनिंग है वो आपका रियल इनकम से, रियल इनकम से, किससे है, रियल इनकम से। और रियल इनकम का मतलब क्या होता है, चेंज इन परचेजिंग पावर, चेंज इन परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब जैसे ही किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मतलब रियल इनकम बढ़ जाएगी। मान लो आपकी मॉनेटरी जो इनकम है, मॉनेटरी इनकम है वो तो आपके रुपीज 100, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है एक्स और उसके जो प्राइसेस है वो आपके 5, कितनी क्वांटिटी आ जाएगी अभी इस वक्त इस प्राइसेस के लेवल पर, 20 आ जाएगी ना। ठीक है, इस पर आप क्वांटिटी ले सकते हो, कितनी 20 क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर हो जाएगी आपकी 20, बिकॉज आप इस अमाउंट पर आप 20 ले सकते हो। जैसे ही इसके प्राइस 5 से घटकर 4 रुपये हुए, आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और यहाँ पर जब आपका डिमांड कब बनेगा, तो ये देखिए पहले जब आपके प्राइसेस थे 5 तो क्वांटिटी आई 20, और फिर जब आपके 4 हुए तो आपकी 25 डिमिनिशिंग मार्जिन। दूसरा समझ में आया, पहला तो था आपका कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप कंजप्शन करोगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती रहती है। दूसरा आया इनकम इफेक्ट, और इनकम इफेक्ट में कौन सी इनकम है, रियल इनकम। रियल इनकम तब बढ़ती है जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होती है, यानी आप एक इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड रियल इनकम, प्राइस एंड रियल होगा ना इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस का नहीं। ये देखिए जब आप प्राइसेस आपके जब कम हो रहे हैं तो इससे जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, यानी कंज्यूमर की इनकम तो 100 रुपये ही है, लेकिन अब उस 100 रुपये में अब वो 5 यूनिट ज़्यादा परचेज कर सकता है बिकॉज उसकी रियल इनकम बढ़ गई है। आई बात समझ में? प्राइस इफेक्ट आप बिल्कुल बोल रहे हो, प्राइस इफेक्ट ही तो हम चेक कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या, प्राइस इफेक्ट ही बता रहा है। प्राइस इफेक्ट क्या होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप या लॉ ऑफ डिमांड का फुल्ली एप्लीकेबल है, तो यही तो बात कर रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, जो प्राइस इफेक्ट आप बोल रहे हो वो क्यों हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे प्राइसेस कम होंगे क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई, बस इतनी सी बात है। जो लोग ज़्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रियल इनकम बढ़ गई है, इतनी बात समझो। ठीक है, तीसरा आपके पास आया क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है भाई, देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है सब्स्टिट्यूट जिसको आप एक प्रोडक्ट की जगह दूसरे को यूज कर सकते हो।
ठीक है। और इसका एग्जांपल आपने टी एंड कॉफी का पढ़ा है बहुत अच्छे से, एक कंसेप्ट उसमें मैंने आपको और डेवलप कराई थी कि टी के साथ क्या है, कॉफ़ी के साथ क्या है, भाई इसके लिए एक्सटेंशन है, इसके लिए ही आपका इंक्रीज है या डिक्रीज है, एक्सटेंशन है तो उसका डिक्रीज आएगा, उसका अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो उसका इंक्रीज आएगा, याद करो है ना, परसों की क्लास में आपने पढ़े थे। तो यहाँ पर भी यही है, अगर मान लो आपका टी है, टी के अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्या होगा, लोग कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफ़ी पर, कॉफ़ी की जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी बढ़ जाएगी, यही बात है ना। तो लोग इस वजह से क्या होगा कि जैसे इसके प्राइसेस बढ़े टी की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, इसलिए इसका जो डिमांड का वो बनेगा टी का वो इस तरीके से बनेगा, कॉफ़ी का इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा कॉफ़ी का और टी के प्राइसेस के साथ रिलेशनशिप ऐसे बन जाएगा। तीसरा समझ में आया, पहला था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, दूसरा आपका इनकम इफेक्ट, और तीसरा आपका सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ आपका आया एक ग्रुप डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको ओनियंस, देखो याद करो अभी हर कोई यूज़ कर रहा है भाई, सैलेड में भी यूज़ कर रहा है, सब्जी बनाने में भी यूज़ कर रहा है, हर तरीके से, लेकिन जब उसके प्राइसेस बहुत हाइक होते हैं तो बस थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, ये बात है। दूध का देख लीजिए, दूध भी इसी तरीके का है, महंगा हो जाएगा तो लोग कम ही यूज़ करेगा, बकरी का दूध कौन पीता है, कोई नहीं पीता, आपको पता है बकरी का दूध 2,000 रुपये के जी भी बिकता है, जब वो डेंगू और वो आता है, चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया में नहीं आता, शायद डेंगू में होता है, हाँ तब वो बहुत महंगा हो जाता है, तब वो तो वही सिस्टम है कि तब लिमिटेड यूज़ हो गए, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनके प्राइस इस वक्त कम है उसके बहुत सारे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, इसलिए आपका जो वो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अभी वहाँ पर तो अभी फ्लूड आई हुई है ना, दिक्कत है वहाँ पर, ठीक है। और एक आया साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, एक दिन देखना आपको पाकिस्तान बांग्लादेश, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि 2050 तक एक इकोनॉमी होगा, ज़्यादा चलती है, हाँ उनके वहाँ पर आज तक जब से पाकिस्तान बना है यानी 1947 से अब तक कोई भी जो गवर्नमेंट है अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है 5 साल का, ऐसे ही है वहाँ पर। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में क्या होता है, अगर आपके इस वक्त प्राइसेस कम हैं तो उसका जो कंज्यूमर साइज है वो बढ़ जाएगा, मतलब कंज्यूमर और लोग भी परचेज करेंगे, जो ना कर रहे हैं वो भी करेंगे, और प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो ऐसे कंज्यूमर जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसे बाहर हो जाएंगे, तो भी आपका जो ये आपका है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये कहता है डिमांड का नेगेटिव क्या होता है, तो 5 रीज़न आपने पढ़े हैं, पहला आपने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, दूसरा रियल इनकम, तीसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फोर्थ आपने डिफरेंट यूजेस, और फिफ्थ वन इज चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गई आपको बातें, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात आता है कि इसके एक्सेप्शंस क्या है आपके लॉ ऑफ डिमांड के, या डिमांड का वही तो बात पढ़े ना, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहले आपने पढ़ा है गिफन गुड्स, वो बहुत बार वेबलैन गुड्स, वेबलैन ने दिया तो इसको सॉरी प्रिस्टियस गुड्स या आपके वेबलैंड गुड्स बोल दो आप, ठीक है। तो वेबलैंड जो गुड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है, वेबलैंड और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, हाँ प्रतिष्ठा सूचक, डायमंड हो गए, ठीक है, और ज्वेलरी गोल्ड भी आ सकती है, ठीक है, ये सब चीज़ें स्टोन्स हो गए, सब चीज़ें जो आई आपकी, तो ये क्या होते हैं भाई, इनके जितने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ते हैं ना उतनी ही ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। गोल्ड का केस देखिए आप, जब प्राइसेस बढ़ रहे थे ना एक टाइम पे, जो बहुत ऊपर जा रहे थे, लोग और ज़्यादा परचेज कर रहे थे कहीं और महंगे ना हो जाए, और महंगे ना हो जाए, तो इनके क्या हुआ था, प्राइसेस इस तरीके से चल रहा था ट्रेंड, लोग डिमांड ऐसे बनता है, ये ऐसे बना तो क्या बन गया, एक्सेप्शनल बन गया, पहला केस समझ में आया आपका, ठीक है। दूसरा जो आपका बना, कई बार क्या होता है इग्नोर करके चलते हैं, इग्नोरेंस का मतलब क्या है, आपको दुकानदार कहता है ये चीज़ 100 रुपये की है, 120 रुपये की,
आपका साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी ये कहती है कि 120 वाले की क्वालिटी अच्छी है, इग्नोर करके चलते हैं आप, तो आप क्या करते हैं 120 वाला दे दो और 120 वाला 100 में दे दो, है ना, 120 वाला 100 में दे दो आप, और 100 वाला लेना है तो 80 में दे दो, वही होता है सेम सिस्टम आपका। तो क्या है कि आप इग्नोर कर रहे हो कि आप ये सोचते हो कि जो प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो इस वजह से आपका लो ऑफ डिमांड इस तरीके से बनता है। तो दूसरा रीज़न क्या बना आपका, इग्नोरेंस, ठीक है। और तीसरा जैसे आपने पढ़ा, आपने गिफन गुड्स का पढ़ लो अभी, जो गिफन गुड्स होते हैं आपके, गिफन गुड्स ये इसका एक एक्सेप्शनल है, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो टोटल जो प्राइस इफेक्ट आता है, कल हमने किया था, टोटल जो प्राइस इफेक्ट आता है वो मिलकर बना है किससे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट, ठीक है। लेकिन इन दोनों से मिलकर बना है। अब देखो, अगर आपका गुड्स है नॉर्मल, हम एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाली चीज़ इसी में आ जाएगी, अगर आपके पास है गुड्स नॉर्मल, नॉर्मल के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसी का हो, सभी में केस में क्या होगा, नेगेटिव, और इनकम इफेक्ट इसमें होता है पॉजिटिव, ठीक है। इसमें जो आई आपकी वैल्यू नॉर्मल के, इसके बाद इन्फीरियर गुड्स के केसेस में, इन्फीरियर गुड्स ये टेबल बना लेना आप, इसमें आपका ये भी नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव। आप क्यों, अगर जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्यों खरीदोगे जो आपके लो क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छे खरीदोगे आप, जो प्राइस इफेक्ट है ना, टोटल जो प्राइस इफेक्ट आप देख रहे हो लॉ ऑफ डिमांड वाला, वो दो से मिलके बना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का केस है, अब नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, जैसे टी और कॉफी एक नॉर्मल गुड्स है, अगर इसके प्राइस बढ़ रहे हैं ना तो सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाओगे आप, ठीक बात है ना, तो नेगेटिव हुआ। कोई भी गुड्स जिसके करंट में प्राइस बढ़ेंगे, आप यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे पे चले जाओ, सिंपल सी बात, ठीक है, चले गए वहाँ पे, ओके। इनकम इफेक्ट देखो, अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, इनकम बढ़ रही है, तो आप अच्छे नॉर्मल गुड्स की और क्वालिटी खरीदो और क्वांटिटी परचेज करोगे, तो इसके केसेस में क्या है, पॉजिटिव है, बात सुनो ध्यान से, इसके केसेस में क्या हुआ, इनकम इफेक्ट आपका पॉजिटिव हो गया। दूसरा है आपका इन्फीरियर केस, इन गुड्स इन्फीरियर के केसेज में क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसी का हो, सभी में नेगेटिव रहना है, ठीक है। तीसरा जैसे मैंने कहा कि गिफन का भी क्या बनेगा आपका, नेगेटिव। लेकिन यहां पर क्या है आपका, इसमें जो इनकम इफेक्ट है ना, इनकम इफेक्ट इसमें कम है किसे, सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है इनकम इफेक्ट से, सब्स्टिट्यूट ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, मेरी बात समझे आप, हाँ जी समझ में आ रही है बात, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, अभी मैं और भी वो करूँगा इसको के लिए। और इसमें जो आपका है ये इसमें भी नेगेटिव होता है, इसका गिफन के केसेस में दोनों चीज़ें नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो आपका इनकम इफेक्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसलिए एक्सेप्शनल बन गया। देखो कैसे, मैं आपको बताऊँ अभी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका नेगेटिव, अब देखना मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया आपका 10 और इनकम इफेक्ट आया आपका 8, तो टोटल इफेक्ट कितना आया, 18 का, प्राइस पर जो इम्पैक्ट आया, प्राइस का कॉन्डिमेंट वो 18 का आया, ठीक है। दूसरा केस देखो इन्फीरियर का, इन्फीरियर का केस में मान लो ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मान लिया 10 और जो इनकम इफेक्ट है जो कि नेगेटिव है आपका, वो आपका मान लिया क्योंकि ये आपको पता है कि इनकम इफेक्ट आपका कम है सब्स्टिट्यूशन, ये मान लिया आपने 7 -7, तो नेट इफेक्ट आया आपका माइनस प्लस का 3, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इधर आपका मान लिया, इधर आपका 10 मान लिया और इधर ये वैल्यू क्योंकि इससे ज़्यादा होगी, रूल कहता है, तो इसके अकॉर्डिंग मान लिया आपने इसको 15, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई आपकी, माइनस के 5। देखो यहाँ पर लो ऑफ डिमांड, क्योंकि दोनों इसको एक साथ इफेक्ट कर रहा है, तो लो ऑफ डिमांड फुल्ली अप्लीकेबल हो गया यहाँ पर आपका, क्योंकि इम्पैक्ट इसके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इनकम इफेक्ट से कम कर दिया गया, तो यहाँ पर जो लो ऑफ डिमांड है वो आपका पार्शियली अप्लीकेबल होता है, और यहाँ पर आपका नोट, क्योंकि लो ऑफ डिमांड इन्वर्सली बता रहा है, इस तरीके से वो बता रहा है, समझ में आई बात आपको,
उसका टोटल इफेक्ट जो होता है, दोनों देखो जो प्राइस इफेक्ट है इन दोनों चीज़ों से मिलके बना है, प्राइस इफेक्ट सब्सटीट्यूशन प्लस में इनकम, कंज्यूमर की इनकम ने अफेक्ट किया था पीछे पढ़ के आए हो आप, दूसरा उसने क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूट ने भी किया था, दोनों से टोटल करके आपका बनता है प्राइस इफेक्ट। लेकिन हुआ क्या, ये बात याद रखनी है आपने कि इन्फीरियर के केसेस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है इनकम इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड पार्शियली लग गया इसलिए एक्सेप्शनल नहीं बना, इसमें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम हो गया इनकम इफेक्ट से इसलिए आपका लॉ ऑफ डिमांड का ये एक्सेप्शन बन गया। आगे समझ में आपको, ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड, क्या बोलते हैं एक्सेप्शन क्यों बना। दूसरा बना आपका गिवन गुड्स, इसलिए इसका ये एक्सेप्शन बन गया। एक आपके पास आया एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस और फॉल इन फ्यूचर प्राइसेस, फॉर एग्जांपल अभी कोई प्रोडक्ट है जैसे इसका महंगा है आज के टाइम में 100 रुपये का है, मुझे लगता है कि इसके प्राइस और बढ़ेंगे बेशक ही महंगा हो रहा हो, मैं और अभी खरीद लूँगा, कोल्ड का एग्जांपल भी इस तरीके का ही। और आप देखिए आपको लगता है कि ये और सस्ता हो रहा है, सस्ता है और सस्ता होगा, और सस्ता के चक्कर में अभी इसको नहीं करोगे आप, इसको नहीं खरीदोगे तो भी आपका क्या बन जाएगा एक्सेप्शन बन जाएगा, ठीक है। और सारी आपका इस तरीके का ही है, जैसे कोई स्पेशल ब्रांड है जिसको आप वही पसंद है, चाहे प्राइसेस कुछ भी हो जाए तो उसके एक्सेप्शन ही बनेंगे, इमरजेंसी में प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, जैसे श्रीलंका में देखो आप, है ना, तो महंगा हो रहा होता है लोग इसमें, रशिया यूक्रेन में भी यही सिस्टम हुआ था कि लोग स्टोर करने लग गए थे, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ आप, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना है आपने, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेट, ओके, ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है क्या होगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कोई अल्टरनेट नहीं है क्या होगी उसकी कॉस्ट, क्योंकि स्पेशल यूज है उसका, उसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है, नहीं कहते हैं कि हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट, दो नो अल्टरनेट फॉर हार्डवर्क, जीरो कोई वैल्यू नहीं है उसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी जीरो। ऐसे प्रोडक्ट जिसके स्पेशल यूज है या कोई अल्टरनेट नहीं है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी जीरो, ये बात याद रखना, ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या है, कुछ स्पेशल ही है वो आपका, ठीक है, जैसे आपका एक जगह है जिसका जाने का रास्ता सिर्फ बाई ट्रेन है और कोई कुछ जाती नहीं, तो आप ट्रेन से जाते होंगे वहाँ पर, है ना, तो वो क्या है आपका सब स्पेशल यूज हो गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, इसके आपने एक्सेप्शनल पढ़ लिए, किसके, लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है।